ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। মধ্যস্থতাকারীদের রিপোর্ট নিষ্ফলা, অযোধ্যা মামলার নিয়মিত শুনানি। 6 অগস্ট থেকে শুরু হবে শুনানি, মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার হবে শুনানি, সোম ও শুক্রবার হবে নতুন মামলার শুনানি, জানালেন প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। আরো একবার জানিয়ে রাখি, মধ্যস্থতাকারীদের রিপোর্ট নিষ্ফলা, অযোধ্যা মামলার নিয়মিত শুনানি হবে 6 অগস্ট থেকে, এই শুনানি শুরু হবে এবং মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার শুনানি হবে। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसको भी अनुवाद अपना फाइल करना है वो फाइल कर सकता है, पर हम कोर्ट का हियरिंग में स्टार्ट करेंगे 6 अगस्त। जो लोग जल्दी इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे उनके लिए आप एक बड़ी जीत मान रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन के जो भी ऑब्जेक्शन थे या जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उसको भी नहीं मानते हैं, वो आप हियरिंग के टाइम पे देखेंगे। कोर्ट ने इस मामले की हियरिंग 6 अगस्त से स्टार्ट करने का है, डे टू डे बेसिस पे। और हिंदू पत्री है, अब ये देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिन लगाए थे इस मैटर की हियरिंग के लिए। एक्सपेक्टेशन है कि कितनी देर में खत्म होगी? देखिए, हिंदू पार्टीज का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है हिंदू पक्षकार इस मामले में मिनिमम 40 दिन लेंगे अपनी बहस रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार भी तय किया कि कुछ ही लोग जो है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का जो सूट नंबर 3 और सूट नंबर 5 है उसकी हियरिंग पहले स्टार्ट होगी, और उसमें मुस्लिम पक्षकार भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं, तो उसमें अपना जवाब दे सकते हैं जब हिंदू पार्टीज की आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। আমরা শুনলাম নির্মোহী আখড়ার আইনজীবীর বক্তব্য। আরও একবার জানিয়ে রাখি যে মধ্যস্থতাকারীদের রিপোর্ট নিষ্ফলা এবং অযোধ্যা মামলার নিয়মিত শুনানি হবে, 6 অগস্ট থেকে শুরু হবে এই শুনানি, মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার হবে শুনানি, সোম ও শুক্রবার নতুন মামলার শুনানি হবে, এমনটাই জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ।